नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल के फॉलोअर हैं, मतलब आपके चैनल के फॉलोअर हैं सरोज शुक्ला जी, उन्होंने बकायदे कमेंट करके ये इंसिस्ट किया, मतलब ये कहा है कि उन्हें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी समझाई जाए। तो ये वीडियो उनके लिए तो डेडिकेटेड है, ये साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को समझना है और उसके बारे में जानना है। वही चलते हैं सीधे वीडियो पे, बाकी बातें बाद में होंगी। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में बेसिकली तीन सिक्योरिटीज आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, जो हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। इन्हें सिक्योरिटी वर्ड इसलिए कहा जाता है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, किसी चीज से प्रोटेक्शन लेना, ठीक, क्या प्रोटेक्शन देना। अब अगर आप किसी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप सिर्फ पैसे लगा करके छोड़ देते हैं? नहीं, आप करते क्या है, आप कंपनी से एक प्रूफ मांगते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ तो दो कि हाँ हमने इन्वेस्ट किया, आपको जब प्रॉफिट होगा, जब अच्छा बिजनेस होगा तो हम उससे रिटर्न ले सकेंगे। तो बिना किसी प्रूफ के आप कंपनी से क्लेम कैसे करोगे कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक। तो इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों के थ्रू कंपनी कैपिटल जनरेशन करती है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए, ठीक। ओवरऑल सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा प्रूफिंग डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में लगाते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न दिया जाता है, ठीक। तो शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हो गए, आइए इन तीनों ही फॉर्म्स को डिटेल में देखते हैं इनके अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में है टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक। शेयर एक्चुअली दो ही प्रकार के होते हैं, पहला इक्विटी शेयर जिसे हम समटाइम्स कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर जिसकी हिंदी होती है पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर का मतलब होता है जिसमें शेयर होल्डर्स के सारे राइट्स एंड पावर्स बराबर होते हैं, किसी को ज्यादा अहमियत यानी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर इसके ठीक उल्टे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में पहले प्रेफरेंस दिया जाता है हर एक चीज में, ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो आपके रियल ओनर्स होते हैं, यानी ओनर तो ये भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन रियल ओनर इसलिए कहा गया क्योंकि ये ओनर सिर्फ नाम के लिए होते हैं, ये आपके हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तक ही सीमित रखा जाता है, बाकी सारा काम आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं, ठीक है। सेकेंड है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, बिल्कुल ऑल रेस्पेक्ट का मतलब है बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी की मीटिंग, उसमें वोटिंग राइट्स वगैरह सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस पर रिटर्न लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, हाँ ये इसका ड्रॉबैक है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है, कहने मतलब ये है कि अगर आप इक्विटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ और मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो वहां पे क्या अगर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो मेरा जो रिटर्न है वो अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इनका इनका जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है। ये देखिए यहाँ पे दे गेट डिविडेंड इंटरेस्ट टू, इनका रिटर्न जो है वो फिक्स नेचर का होता है, जो मैंने लिखा हुआ है फिक्स, इसलिए फिक्स इस वजह से है क्योंकि ये इनसे ज्यादा जो है वो करते हैं रिस्क टेकअप करते हैं, ठीक। और एक चीज और, इन्हें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है लेकिन इन्हें डिविडेंड के साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है, इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक, 6% हो, 8% हो, 10% हो, कोई भी रेट हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, इसके कोई टाइप्स नहीं होते, इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स में है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिव मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि वो पार्टिसिपेशन वाला सर्टिफिकेट अगर होल्ड किए हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, ठीक। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में डिफरेंस फटाफट बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपको पिछले साल का जो एरियर है डिविडेंड का वो भी आपको करंट के साथ जोड़ करके मिल जाएगा, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपके जितने भी पिछले एरियर्स हैं उनसे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट ईयर का ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले पे जो है बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स के बाद चलेंगे डिबेंचर्स पे। स्टे ट्यून्ड।
बात करते हैं कूपन बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स एक्चुअली दे आर सिमिलर टू डिबेंचर्स। सिर्फ एक ही डिफरेंस है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, वो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मार्केट में, यानी अप्स एंड डाउन के सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर अप एंड डाउन चल रहा है मार्केट में, कंपनीज की वजह से अफेक्ट हो रही है, तो उस अफेक्शन का अफेक्शन यानी इफेक्ट डिबेंचर्स पे नहीं पड़ता। डिबेंचर होल्डर्स को जो बाय डिफॉल्ट जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 6% का है, तो वो मेन है। इसीलिए कंपनियां डिबेंचर्स जल्दी इशू नहीं करती, क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक बाउंडेड लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स एक लोन डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई वो है ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। ठीक, ओनरशिप डॉक्यूमेंट अगर होगा एज लाइक इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो वहां पे आपको कंपनी के साथ लॉस भी बेयर आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो कंपनी के साथ आपको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ और बगल हो जाएगी, बाकी सारा हेडेक कंपनी का होता है। ठीक, लेकिन बॉन्ड्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क पैदा हो जाता है। मेन मतलब ये है कि अगर आपने 8% का डिबेंचर बॉन्ड लिया था और कंपनी ने 10% का डिबेंचर बॉन्ड इशू कर दिया, तो वहां पे आपके डिबेंचर बॉन्ड, आपके जो बॉन्ड्स हैं जो आपने होल्डिंग की हुई है, वो किसी और को आप बेच नहीं पाएंगे आराम से, क्योंकि अगला बंदा जब देखेगा कि उसको 10% बॉन्ड्स पे अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, तो वो आपके 8% बॉन्ड्स को नहीं खरीदना चाहेगा। बस यही एक डिफरेंस है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में, वरना दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो एज ऑब्वियस कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स, जो कि हम सभी जानते हैं जनरली लॉन्ग टर्म ही होता है, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म के भी इशू कर सकते हैं, 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 20 साल या 20 years एंड अबव। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय एसेट ऑफ कंपनी। जब बॉन्ड इशू होता है तो मेन है वो कंपनी कोई ना कोई एसेट के अगेंस्ट इशू किया जाता है। ठीक, इसी को, इस वजह से ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। थर्ड इज, ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू इशू किया जाता है, लेकिन हमारा विश्वास यानी हमारा जो ट्रस्ट है वो किस बॉन्ड में ज्यादा होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती। अगर उसको फाइनेंशियल क्रश होता भी है तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के सिस्टम के थ्रू कर सकती है। इसकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सेम चीजें मैं यहाँ पूरी तरह से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जो कि सरोज शुक्ला जी के कहने पर मैं कर रहा हूँ। ठीक, लास्ट है बेस्ड ऑन क्रेडिट वर्थिनेस। क्रेडिट वर्थिनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कंपनी ने आपको सिक्योरिटीज इशू कर दिए हैं और उसके बाद कंपनी के पास अगर फंड्स नहीं बचते हैं तो लोग क्या करें, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कंपनी आपको रिटर्न ही ना दे पाए? नहीं, आप कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो ओवरऑल सिर्फ इतना है कि कंपनी की अगर मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साउंड है, लोग इस पर विश्वास करते हैं, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जानते हैं, तो लोग इसमें आराम से इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड कूपन बॉन्ड्स, ये 4 इसके टाइप्स मेन होते हैं। इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है टाइप्स के बारे में, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले उस पर जो कि है डिबेंचर्स, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स भी एज लाइक बॉन्ड्स ही है, जो मैंने बताया था मैंने इसी वीडियो के प्रीवियस सेशन में कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स से ज्यादा अंतर नहीं। तो सीधा सीधे मेन टॉपिक पे चलता हूँ। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ना कि ओनर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा भी इशूड है वो लोन दिया होता है। ठीक, भले इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लोन है। सेकंड है, इसमें रिटर्न फिक्स होता है इवन अगर कंपनी बैड फाइनेंशियल कंडीशन में हो तो भी, जो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक, तो डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की बैड कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें लगता सिर्फ हमारा रिटर्न दो खत्म, हमको इससे मतलब नहीं तुम किस कंडीशन में। और तीसरा है ये बाउंडेड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई रिटर्न जब फिक्स हो गया तो आप अगर चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उससे डिबेंचरहोल्डर्स को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने रिटर्न से मतलब होता है। ठीक है, इस वजह से ये बाउंडेड लायबिलिटी बन जाती है। अगला देख इसमें है आगे कि टाइप्स में है सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब है कि जो भी डिबेंचर को दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट यानी उसके बैक पे एक एसेट को ऐसा प्रोटेक्शन रखा गया है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करे पेमेंट में तो आप उस एसेट को फॉरफिट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे ले सकते हैं। फिर है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में है कि ओपनली आपको ओपन करके दे देगी, यानी इशू करके दे देगी,
कोई भी बैड एसेट्स पे नहीं रखी जाती। ठीक, कन्वर्टिबल का मतलब है कि आपका डिबेंचर आपने जो लिया है वो कन्वर्टिबल है शेयर्स में या अदर सिक्योरिटीज में, जैसे बॉन्ड्स हो गया या किसी और डॉक्यूमेंट में कन्वर्टिबल है, लेकिन ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो कन्वर्टिबल है या नहीं है। नॉन कन्वर्टिबल इसके ठीक उल्टा है कि वो किसी भी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्टिबल नहीं है, इवन अगर आप करवाना चाहें तो भी। यानी अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिए हुए हैं कंपनी के, तो आपको उसी डिबेंचर्स के साथ रहना होगा, आप उसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि सरोज शुक्ला जी को ये वीडियो पसंद आएगा और उनके साथ साथ और भी लोग जिनको इस कंसेप्ट में डाउट था उन्हें भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स के साथ जरूर मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।